बैक टू माई YouTube चैनल शोबी स्किन केयर टिप्स। गाइज आज का हमारा टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज मैं आपको बताऊंगा जिसके बिल्कुल ब्लैक हेयर होते हैं उनको फैशन शेड चाहिए होता है, लेकिन इतना ज़्यादा ओवर भी नहीं चाहिए होता कि वो बिल्कुल ही चेंज हो जाए। हल्का सा रेड रिफ्लेक्शन अगर किसी को चाहिए या उनको थोड़ा लाइट ब्राउन शेड चाहिए, आज मैं उनको दोनों ही का कॉम्बिनेशन एक कलर ट्यूब बताऊंगा और उसको मिक्सिंग करने का रेशो भी बताऊंगा। वो घर पर ही इसको अप्लाई कर सकते हैं, अगर घर पर नहीं जा सकते तो आप सैलून पर जाके आप शेड ट्यूब बता के उसको अप्लाई करा सकते हैं अपने हेयर पे। बिल्कुल एग्जैक्ट शेड आएगा और बहुत ही अच्छा रिफ्लेक्शन उसमें देखने को मिल जाता है। बहुत से को ये प्रॉब्लम होती है, बहुत से चाहते हैं कि हमारे जो मेहंदी यूज़ करते हैं थोड़ा सा मेहंदी वाला रिफ्लेक्शन है, उनको भी ये रिफ्लेक्शन मिल जाएगा एंड जो डार्क हेयर हैं उनके लाइट हेयर हो जाएंगे, थोड़ा लाइट ब्राउन शेड पड़ जाएगा और रेड का हल्का सा रिफ्लेक्शन आ जाएगा। चलिए अब मैं आपको बताता हूँ वो ट्यूब है लॉरियल की। देन लॉरियल मैं आपको बता देता हूँ, ये गाइस मैजरेल की ट्यूब है, इसका नंबर है 5.6। लाइट ब्राउन एंड रेड का इसमें रिफ्लेक्शन है। अगर किसी को मेहंदी टोन चाहिए अपने हेयर में और लाइट ब्राउन थोड़ा शेड चाहिए तो वो ये ट्यूब यूज़ करवा सकता है अपने हेयर के ऊपर। मैजरेल लॉरियल की ट्यूब है ये, और इसके साथ मेन होता है इसका वॉल्यूम। अगर किसी के बहुत ज़्यादा डार्क हेयर हैं, मतलब बिल्कुल ब्लैक टोन है, तो वो करवाएंगे 30 वॉल्यूम के साथ इसको यूज़। ये 30 वॉल्यूम 3 लेवल लिफ्ट कर देगा, जिसकी वजह से लाइट ब्राउन शेड आएगा लाइट ब्राउन का एंड रेड रिफ्लेक्शन उनके हेयर में देखने को आपको मिल जाएगा, बिल्कुल एग्जैक्ट शेड आएगा। लेकिन अगर उनके बाल 3 नंबर मतलब डार्क ब्राउन है तो उसमें वो 20 वॉल्यूम ही यूज़ करें। ओके गाइज, स्टेप बाय स्टेप आप इसको सेक्शन बाय सेक्शन निकाल के आप अप्लाई करिएगा, देन आपको बिल्कुल बहुत ही अच्छा रिफ्लेक्शन अपने हेयर में देखने को मिलेगा। कौन सी ट्यूब है गाइज? ये है 5.6 और 30 वॉल्यूम के साथ, जिसके 2 नंबर के हेयर हो मतलब बहुत ज़्यादा ब्लैक हेयर पे जाएगा 30 वॉल्यूम। फिर से मैं आपको बता रहा हूँ, ब्लैक हेयर पे जाएगा 30 वॉल्यूम, देन जिसके हैं 3 नंबर के मतलब डार्क ब्राउन उस पे जाएगा 20 वॉल्यूम के साथ। 20 वॉल्यूम से मिक्स होगा लॉरियल मैजरेल की ट्यूब। और अब मैं आपको बताता हूँ इसका मिक्सिंग रेशो जो होगा 1:1.5 का मतलब है, मतलब अगर 30 ग्राम ट्यूब यूज़ कर रहे हैं वो, तो उसमें 45 ग्राम इसमें डेवलपर मिक्स करेंगे, तब जाके इसका रिजल्ट बिल्कुल एग्जैक्ट आपको देखने को मिलेगा। आई होप गाइज ये आपको वीडियो अच्छी लगी हो। अगर मेरे चैनल की इसने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे और अपने फ्रेंड के साथ शेयर भी कर दें। बाय।